हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? और आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है बहुत ही मेहरबान है, काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो निकाल रहा है ना। तो गाइस, क्या है, मैंने इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल दी है आपके लिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरी नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं, फिर जिसकी वजह से उनको बाद में आती है दिक्कत। तो मैंने इसमें क्या किया है, आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दी, आपके सामने है। मेरे साथ साथ आप इसको देख लीजिए ताकि मतलब आप आराम से फॉर्म फिल कर सके, और कैसे करना है, कैसे क्या नहीं, कितनी पोस्ट है, मैं इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम देख लेते हैं गाइज। अब पहली चीज़ देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन निकली थी वो कब थी, 28 तारीख को ये निकली थी इसकी नोटिफिकेशन। और हम कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हुआ है, इसका कल से हुआ है, 1/3/2019। ठीक है, 1 मार्च से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, और 31 मार्च तक हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12 बजे से 1 मिनट पहले, जो कि है 23:59। ठीक है, अब क्या है, आपका क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी किस किस माध्यम के थ्रू भरी जाएगी। ऑनलाइन तो भरी जाएगी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, डेबिट कार्ड, या फिर आपकी यूपीआई। दूसरा, आप एसबीआई चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो इसकी डेट है पेमेंट की, ये है आपके 4 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट है आपकी क्रेडिट कार्ड से करते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, तो ये 5/4/2019, और ये देख लीजिए कब तक है, ये 12 बजे तक। ठीक है, और नीचे जो है एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान आप अगर करते हो, ये है आपकी 5 अप्रैल तक, और 5 अप्रैल में फिर ये देखिए 4 बजे तक आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, हाँ जी, तो आप देख लीजिए इसको कि कब से कब तक ये लास्ट डेट है, और कब, जैसे ये देखिए, और नेट बैंकिंग के थ्रू एसबीआई चालान ऐसे आप भर सकते हैं इसको फॉर्म को। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं इस फॉर्म में और क्या क्या है। ये देखिए गाइस, तो आपने देख लिया कि पहले तो हमने ये देख लिया फाइनल सबमिशन जो होगा एप्लीकेशंस, ये देखिए 12/4/2019 इतना। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो फर्स्ट स्टेज होता है इसका, वो कब से, जून और सितंबर के बीच में, जून या सितंबर 2019 के बीच में ये टेंटेटिव डेट आई है इसकी, तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए है बेसिकली, ये देखिए आप, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो कि हैं आपकी जूनियर कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट्स, गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। तो ये सारी आपकी वेरियस जो है पोस्ट हैं जिनके लिए ये नोटिफिकेशन आई है। तो इस बार बम्पर वैकेंसीज हैं, इनको ज़रूर फिल करिएगा। अब हम नीचे देख लेते हैं गाइस, ये देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ग्लांस। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट जो हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12+2 स्टेज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और एज कितने चाहिए इसमें, 18 से 30 साल के होने चाहिए। कब तक, 18 से 30, एज ऑन 1/7/2019। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से आप 18 से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1/7/2019। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए आप, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो इनिशियल पे स्केल है ये 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2, ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, C2, A2, B2 क्या है। तो अभी आप ये देख लीजिए इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और क्या है इसका पे स्केल। अब ये देखिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट देख लीजिए, इसका भी 19,900 है। और टोटल वैकेंसीज देख लीजिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 4319 है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 760 है। अब देखिए जूनियर टाइम कीपर में जो है इनिशियल पे आपका 19,900 ही है, और टोटल वैकेंसी 17 है। ट्रेन क्लर्क हो गया आपका 19,900 ही है इसका, और वैकेंसीज है 592। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है आपकी इनिशियल पे स्केल इसमें ज़्यादा है, ठीक है, 21,700, और इसकी जो वैकेंसीज हैं ये भी ज़्यादा हैं,
4940, जो इसको मिला के टोटल आपकी ग्रैंड टोटल बनता है 10628 वैकेंसीज हैं टोटल ये, ठीक है। अब है आप, वो थी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, अब ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट जो है, ग्रेजुएट जो है उनका देख लेते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास एक डिग्री होल्ड करनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एज इसमें भी ये क्या है, 18 से 33 के होने चाहिए, कब, 1 जुलाई 2019 से, ठीक है। अब इसमें नेम ऑफ पोस्ट देख लीजिए, ये नीचे पोस्ट है और इनकी इनिशियल पे सैलरी और वैकेंसी निकली हुई है। ये देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट जो है इसका इनिशियल पे है 25,500, और मैंने जैसे बोला था मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह हम नीचे देखेंगे। टोटल वैकेंसीज 88 है। गुड्स गार्ड की आप देख लीजिए 29,200 सैलरी, और वैकेंसी देख लीजिए 5,748। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 29,200, और ये आपकी हैं वैकेंसीज 5,638। ऐसे ही आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप पे सीनियर, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। और जिस ये देखिए टोटल ग्रांड टोटल कितना है इसका, 24,649 पोस्ट जो हैं ये है आपकी ग्रेजुएट पोस्ट वालों की, ग्रेजुएट जिनके हैं, ठीक है, डिग्री मांगी है जिसमें ग्रेजुएशन। फिर रिजर्वेशन है आपकी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, पीडब्ल्यूडीज, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए इसमें रिजर्वेशंस भी हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस और फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो ये देखिए आपको पता ही है 31/3/2019 तक भरना है, तो अगर आप पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि जितना भी उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगी है कि आपकी जो एज है वो कम ज़्यादा नहीं है, उतनी आपकी जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री होल्ड करते हो नहीं होल्ड करते, ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिए, उसी के बाद भरिए, ठीक है। अब आप नीचे ये बस ऐसे लिखा है कि भाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो कि है आप इस पूरे उसको रीड कर लीजिए, उसी के बाद भरिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। कैंडिडेट्स से एडवाइस है, क्या पता है क्या होता है कई बार जहाँ फेक वेबसाइट्स होती हैं बच्चे वहाँ रजिस्टर कर देते हैं, पैसे उनके फंस जाते हैं, तो आपको यही एडवाइस है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही जो है आप इस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। कैंडिडेट्स के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब आपकी नोटिफिकेशन आती है इंटिमिडेट वो करते हैं आपको एग्जाम टाइम के लिए कि इस दिन पेपर है, तो वो क्या करते हैं मेल भेजते हैं, ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेज देते हैं। अगर आप इसमें गलत मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे या फिर आपकी ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव नहीं आप यूज़ नहीं करते, तो वहाँ आपका मेल आ जाएगा कि हाँ इस डेट को पेपर है, और अगर फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो इससे अच्छा है जो भी आपका एक्टिव नंबर है आप वही प्रोवाइड करें इसमें, क्योंकि इसी फॉर्म के थ्रू वो आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स वो जानते हैं, जिसकी जहाँ से वो आपको कम्युनिकेट करके बताते हैं, ठीक है। एक एक्टिव आईडी दीजिए और एक एक्टिव फोन नंबर अपना दीजिए। तो अब आप नीचे देख लीजिए, तो इसमें आपको पूरा यही सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5th आपका कंप्लीट हो गया है। 6th भी वही सब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया हुआ है। 7th में भी यही है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करनी है वो ठीक प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और जब अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आप सोच समझ के अपनी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए और एकदम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, टेस्ट भी दिया है, सब कुछ हो जाएगा, फिर लास्ट में निकल जाओगे, ठीक है। अब इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी इसमें पोस्ट दी गई हैं उसके लिए एक सर्टेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो A2, B2, C2 थे, एक सर्टेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, तो पहले आप देख लीजिए वो क्या हैं और उसी के बाद उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए, उससे पहले अप्लाई मत कीजिए, ठीक है, पढ़ के फिर अप्लाई कीजिए। अब ये देखिए नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to register and submit online application form. तो गाइज इसमें यह है कि आप जो है लास्ट मिनट में क्या होता है, वेबसाइट हैंग हो जाती है, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा रश हो जाता है, क्रैश भी हो जाती है कई बार साइट, तो आप लास्ट में ना भरें कि भाई एक दिन बचा है या फिर दो दिन बचे हैं तब करें, या फिर मैं लास्ट दिन कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आप काफ़ी टाइम पहले ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा ताकि लास्ट में ये ना हो कि वेबसाइट क्रैश हो जाए या इतना ट्रैफिक आ जाए उस पर कि आप भर ही ना पाएँ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यही है, माल प्रैक्टिसेस, बैंड आइटम्स। माल प्रैक्टिसेस यही है कि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कुछ भी वहाँ पर गलत करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल भी नहीं रहेंगे और वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। तो किसी भी गलत तरीके से में मत पड़िए कि अनफेयर मीन्स में मत पड़िए कि चीटिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें बिल्कुल भी मत पड़िएगा। बैंड आइटम्स आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ पेन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ठीक है, आपकी घड़ी भी नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, पेन, पेंसिल, बेल्ट्स, शूज, मेटालिक वियर्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो ये उतार के ही जाइएगा। कोई भी मेटालिक वियर जो भी होंगे आप मत पहनिए। अक्सर आपने देखा होगा चेकिंग के टाइम जो गर्ल्स की जो है रिंग्स उतरवा ली जाती हैं, ठीक है, और जो उनके हेयर क्लिप्स वगैरह उतरवा ली जाती है, वो इसी बेसिस पे कि मेटालिक आपको कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी अंदर, बेल्ट, शूज, सब कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो ऐसा कुछ भी मत लेके जाइएगा जिसके लिए आपको वहाँ पर फिर दिक्कत आए, ठीक है, क्योंकि आप खुद अपने आइटम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते कई बार। तो अब हम नीचे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, देयर शैल बी टू स्टेज फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। टू आपको पता ही है कौन कौन सी स्टेजेस हैं, एक तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, फॉलो बाय स्किल टेस्ट, उसके बाद होता है आपका एक स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, और ये किसके लिए, फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, इन सब के लिए, ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होता है आपका, टाइपिंग स्किल टेस्ट है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो ये है आपके CBT, ठीक है, और फिर एक सेकेंड राउंड होगा, फिर आपका देख लीजिए ट्रेन क्लर्क ये वो, तो आप इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉल लेटर्स, कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशंस, ई कॉल लेटर्स एंड ट्रेवल, ठीक है, ऑफिशियल साइट से आप अपना कॉल लेटर को जो है डाउनलोड कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन आगे ज़रूरत होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी मार्क्स की, और ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग दिखा रखी है कि कैसे है कैसे नहीं, क्यों कितनी कितना जाएगा कट ऑफ, उस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे आप। अब 7th पॉइंट देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना नेगेटिव होगा, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन में आपका 1/3 पॉइंट इसमें डिडक्ट होता है, मतलब कि जो 1 मार्क्स है वो आपका नेगेटिव मार्किंग तो डिडक्ट होगा। कहने का मतलब है अगर आप इस एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 3 तो मार्क्स वैसे ही जाते हैं, प्लस 1 ये और जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, तुक्के मत मारिएगा ज़्यादा कि सोचो भाई तुक्के से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है प्योरली प्रोविजनल होता है, जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया और वो आपका एक्सेप्ट हो गया, तो ये मत सोचिएगा ये नौकरी मिल गई, उसके बाद टेस्ट भी होना है, ये सब भी होना है, तो बिल्कुल प्रोविजनल होता ही है, ठीक है। कॉल लेटर आ गया अगर आपका, तो ये नहीं है जॉब के लिए कॉल लेटर आ गया, वो आपका टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। वही सब इसमें भी दे रखा है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ्स, ठीक है, दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी, वही है एलिजिबिलिटी
फिल करने से पहले देख लीजिए कि आपकी एज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी, ठीक है? उसके पहले फॉर्म मत भरिएगा बिना देखे, ठीक है? अब ये देखिए, ऐसा नहीं करना कि एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अटेम्प्टिंग टू अप्लाई विद माइनर चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन और द फैक्ट टू मोर देन वन आरआरबी और मल्टीपल एप्लीकेट। कहने का मतलब है कि भाई आप बंदे तो एक और आपने फॉर्म भर दिए तीन चार जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को चेंज करके, तो अगर आप ऐसे फॉर्म भरोगे तो आप बिल्कुल डिबार्ट हो जाओगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? नीचे देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, दे शुड एंटर जो आपका नेम है, ठीक है? कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लो आपकी टेंथ की मार्कशीट में नाम है आपका सीमा कुमारी और आपने जो है फिल करते हुए फॉर्म डाल दिया नाम सीमा, तो वो मैच नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपका नाम जो आपका मेट्रिकुलेशन टेंथ में ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट में है वही आपका नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ चलेगा, तो इसकी गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो भरना वही, वरना आपका आगे कैंडिडेटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सिग्नेचर जो है आपके वो सेम रहने चाहिए, रनिंग हैंड में होने चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करने, ठीक है? और क्या है आपका, जो सिग्नेचर आप अभी इस ऑनलाइन फॉर्म में आप अपलोड करोगे, जब वो करोगे वही सेम जब आप पेपर देने जाओगे अपना, तो वही सिग्नेचर आपको करने हैं, ठीक है? एग्जामिनेशन डेट्स आपको पता चल जाएंगी कब की हैं, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। अब क्या है, जब आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए किस जगह पे कितनी वैकेंसीज हैं, उसी के बाद आप अप्लाई कीजिएगा और पूरा पढ़ के और फिर अप्लाई करना। मान लो डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए निकली हैं ये, तो अगर आप भुवनेश्वर में रहते हो तो वहाँ से अप्लाई कीजिए, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे वहाँ के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है? ये नहीं है कि वहाँ मेरे को जॉब करनी नहीं और अप्लाई कहीं और कर दिया, तो उसको देख के कीजिएगा, ठीक है? तो अब ये नीचे आपका सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ये देखिए, आप इन चीज़ों को पढ़ लें एक बार, सारी चीज़ को, ठीक है? मैं एक बार इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया है, तो ये देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप इसको एक बार 1.17 को पढ़ लीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल ब्लैक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही, एनी अटेम्प्ट टू मिसयूज दिस ट्रैवलिंग अथॉरिटी शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर एट any stage of recruitment process and department of future examination conducted by RRB RRC. अब vacancies हम देख लेते हैं, post parameters, qualification, ये वो, annexure A में, annexure B में आपका इसका है, medical standards, ठीक है, जो अब हम ऊपर देख रहे थे कि A1, A2 आप देख रहे थे क्या चीज़ है, तो आप medical standards थे ये A2, अब इसमें क्या है देखिए, अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है विजन जो है आपकी 6x9 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, ठीक है? नियर विजन जो है आपकी 0.6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, ठीक है? तो A2 का मतलब ये है, तो जिन पोस्ट के लिए A2 लिखा है आगे वो आप यहाँ से देख लीजिए क्या चीज है, ठीक है? फिर अब हम नीचे चलते हैं, ये देखिए A3 जहाँ लिखा हुआ है A3, वहाँ डिस्टेंस विजन जो है आपकी 6x9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, नियर विजन 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, आई एम सॉरी, ग्लासेस के साथ या बिना ग्लासेस के होनी चाहिए, ठीक है? और जो A2 लिखा है आपका इसमें विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए इतनी विजन, और जो A3 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें विद और विदाउट होना चाहिए 0.6 नियर विजन और डिस्टेंस 6x9, ठीक है? अब B2 जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके लिए डिस्टेंट विजन जो होने 6x9 या 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस या ग्लासेस के साथ चश्मे या चश्मे के बगैर, ठीक है? नियर विजन इतना होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस
क्योंकि इसमें फील्ड वर्क जो होगा, फील्ड ऑफ विजन और ये सब उसमें अच्छी उसकी जरूरत होती है। तो इस वजह से C2 आप देख लीजिए, डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/12 निल विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नियर विजन आपका इतना है, तो आपने ये सारे स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। फिर नीचे आते हैं हम नेशनैलिटी या सिटीजनशिप पे। तो इसमें क्या है, या तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए आप, या नेपाल के या भूटान के, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब, ठीक है, जिनकी परमानेंट जो सेटल हो चुके हैं इंडिया में। अब एज लिमिट आप देख लीजिए, लोअर एंड अपर एज लिमिट तो हमने देखी थी 1/7/2019 में, जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है आपकी, तो इसमें एज ग्रुप जो है 18 से 30 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर अनरिजर्व कैटेगरी की तो 2/7/1989 में, ठीक है, नॉन ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर 2/7/1986, ठीक है। और एससी का देख लीजिए, नॉट अर्लियर देन, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये देख लीजिए 2/7/1984 फॉर कम्युनिटी कैटेगरीज, ये 2001। रिलैक्सेशन मिली है एससी एसटी और ओबीसी को, ठीक है। अब जो ओबीसी हैं उनको 3 साल की, और एससी एसटी हैं उनको 5 साल, और ये अलग कैटेगरीज आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, कम्युनिटी कैटेगरीज जो हैं आपकी, ये सब लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, नॉन क्रीमी ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5, एक्स सर्विसमैन की आप देख लीजिए कितना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में भी ओबीसी अनरिजर्व एससी एसटी का दे रखा है आपको, कितना है कितना नहीं, तो आप देख लीजिए। पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं वो सब, ये देखिए आप पूरा इस फॉर्म को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाए। ठीक है, जहां पर आपको लगे जल्दी से वो नीचे हो गया या ऊपर चला गया, तो आप उसको एक बार मेरी वीडियो को देख के वहां पर पॉज करके इन सब पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ये देखिए, जहां भी लगे दिक्कत है वहां वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। सेम चीज यहाँ 5.9 में लिखी है, कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन एप्लीकेशन शुड बी, कहने का मतलब है डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो मेट्रिकुलेशन 10th क्लास में है वही होनी चाहिए, ठीक है। उससे अलावा कुछ नहीं डलनी चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, या फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी अनेक्षर ए में है। एग्जामिनेशन फी, अब आते हैं हम एग्जामिनेशन फी पे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है, फी है आपकी 500 रुपये, ठीक है। और जो इनको फी कंसेशन है वो अलग है, लेकिन फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो एंड एट एसआई नंबर 2। जो ये 500 रुपये की फीस है, 400 रुपये का जो है आपकी फीस वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है, ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। जब आप यहाँ पर इस स्टेज पे फर्स्ट, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाओगे ना, तो ये जो 500 रुपये की फीस है इसमें 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी EBC, इसमें क्या है, दिस फी, अब इनकी फीस है 250 रुपये, और जब ये अपना फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देने जाएंगे, पहला एग्जाम देने जाएंगे, तो 250 रुपये इनके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट हमने ऊपर कर लिया था, कैसे है, क्लोजर डेट एंड टाइम ऑफ फी पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट देख लीजिए कब तक, 4 बजे तक अलाउ है, 5/4/2019, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट विल बी अलाउड टिल 2359 आवर्स, 5/4/2019।
और पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 12/4/2019 से पहले ही फिल जो है सबमिट कर दें, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ईबीसी कैटेगरी में कौन से आएंगे, जिनकी फैमिली इनकम जो है एनुअल फैमिली इनकम वो लेस देन 50,000 है, ठीक है। इनके पास एक वैलिड जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आप देख लीजिए ईबीसी का, और ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको दिखा रखा है क्या है क्या नहीं, देखिए। ठीक है, तो ये है गाइस, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको पढ़िए, पॉज करिए मेरी वीडियो को और देख लीजिए आप अपने हिसाब से सारा, ठीक है। ईडब्ल्यूसी रिजर्वेशन का क्या है, कैटेगरी क्या नहीं, क्योंकि मैं आप बताने लग गई तो ये पूरे बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी खिंच चुकी है ये, तो इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करती जा रही हूँ, अदरवाइज आप इसको देख लीजिए, ठीक है। नाइन पॉइंट जीरो जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या है ये। एक्स सर्विसमैन का देख लीजिए, हु हैज सर्वड इन एनी रैंक वेदर कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैटेंट इन रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नीचे पूरा मैं आपको फॉर्म जो है स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ धीरे धीरे, कि कोई पॉइंट जो है आपके लिए हो, जो जो एक्स सर्विसमैन वाले, एक्स सर्विसमैन वाले देखिए, जो पीडब्ल्यूडी हैं वो पीडब्ल्यूडी वाले का देखिए, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी की भी इसमें देखिए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है कि क्या क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेप्रोसी क्योर पर्सन, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट, है ना, देखिए, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ये फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाता है। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं पूरा आपको नहीं बता सकती एक एक पॉइंट इसमें, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप देख लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो तो ऐसे बहुत ही बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है गाइस, तो ये था आपका पूरा, मैं नीचे आपको क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो डिस्कस करूँगी, इसका सिलेबस डिस्कस करूँगी, और इसके साथ मैं जो है वीडियो को ख़त्म करूँगी। तो आ गया पॉइंट 13.1, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है आपकी वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें देखिए ड्यूरेशन कितनी है, 90 मिनट, ठीक है। तो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, जर्नल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और जर्नल इंटेलिजेंस के 30। तो टोटल जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 100 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, ठीक है, और 1.5 घंटे का टाइम है। एज यू नो नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 मार्क्स की, 1/3 मार्क्स, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपका सिलेबस क्या है इसमें, मैथ्स, जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। मैथ्स में तो है आपके नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में एनालॉगीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन स्टेटमेंट, जर्नल अवेयरनेस, आप देख लीजिए इसमें क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जर्नल साइंस, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, जर्नल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये है आपका सारा सिलेबस, ठीक है। अब है आपका जो सेकेंड स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या है, उसके लिए आपका 90-1.5 घंटे का ही टेस्ट होगा। जर्नल अवेयरनेस के में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल जो है आपके वो 120 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे का टाइम होगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/3 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा सेक्शन मैथमेटिक्स में क्या क्या है आपका, जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस, ये देखिए सारा का सारा। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है आपका पोस्ट के लिए, किसके लिए, क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर जब आप ये सारी स्टेजेस जो है वो कर लोगे क्वालिफाई, उसके लिए उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब होगा, ठीक है। देख लीजिए ये वाला इसमें दे रखा है टाइपिंग टेस्ट किस किस के लिए, क्लर्क के लिए, क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसके लिए नहीं है। फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये सारी पोस्ट हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी मार्क्स की और ये सारा दिया हुआ है कैसे कैसे होगी। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई क्या करना है आपको, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है और फिर आपको जाके अप्लाई करना है वहाँ से, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट JPEG फॉर्मेट होना चाहिए जब आपकी स्कैनिंग हो डॉक्यूमेंट्स की, आप स्कैन करते हो, ठीक है। जब फोटोग्राफ आपको लगानी है वो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है आपका 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। SC/ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फ्री ट्रैवल पास, तो ये देखिए JPEG इमेज होनी चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में, उनको अपना ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारे गाइस पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस फॉर्म में ऐसा कुछ वो नहीं है खास, जितना इम्पॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया है, फिर भी आप एक बार क्या कहते हैं देख लीजिए नीचे। ये देखिए अब इसमें ऑनलाइन सबमिट कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना और कैसे सबमिट करना है, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, RRB को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब क्या होगा जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप दोगे अपना, ठीक है, तो वेरिफिकेशन होगी, मतलब एक OTP आपको आ जाएगा, तो उसके थ्रू आपका ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप एक क्या कहते हैं वैसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट हैं। तो ये देखिए सारा का सारा। फोटोग्राफ्स देख क्या क्या होना चाहिए फोटोग्राफ्स में, आप ये देखिए जब अपलोड करोगे साइज होना चाहिए 35 mm x 45 mm, 320 x 240 pixels। कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, वाइट या फिर लाइट कलर्ड बैकग्राउंड में, ठीक है।
फेस, फोरहेड, आईज, नोज, चिन आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए. फेस शुड ऑक्यूपाई 50% ऑफ द एरिया ऑफ द फोटोग्राफ. पासपोर्ट साइज है तो 50% जो है फोटोग्राफ में आपको फेस होना चाहिए. ठीक है, जिन कैंडिडेट्स जो उनको ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, ये नहीं है कि आपने ग्लास पहन के फोटो करवाई है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए. ठीक है, सिग्नेचर का आप देख लीजिए. पहली चीज़ ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, इमेज जेपी, ईजी, जेपी, जे फॉर्मेट में ही होनी चाहिए. 100 dpi रेजोल्यूशन होना चाहिए. साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन. ठीक है, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं और साइज होना चाहिए 10 kb से 40 kb के बीच में. ये स्कैनिंग के लिए आपको दिया गया है कि कैसे कैसे आपको स्कैन करनी है अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे स्कैन करना है. ये आपका SC/ST सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने के लिए, ताकि आपको जो है ट्रैवल के लिए वो मिले पैसा, तो उसके लिए है. 50 kb से 100 kb के बीच में होना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, हॉल टिकट फॉर CPC CPA, देखिए सारा का सारा. हाँ, आप एक बार मेरे साथ साथ इसको देखते जाइए. तो फिलहाल गाइज, अभी इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए ये वाले जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, यही ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, बाकी मैंने आपके सामने ये पूरा खोल दिया है, तो जिसके आप पूरा नीचे देख सकते हैं इसको. हाँ जी, तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे. ये देखिए, ये आपकी साइट्स दी गई हैं. ठीक है, डिटेल्स ऑफ RRB, वेबसाइट एड्रेस, ये सारे आपके साइट्स जो हैं, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सारे. ठीक है, ये देखिए. तो गाइज, इसी तरीके से हमने अपना जो कि पूरा का पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया है, और जितना भी जो भी इस नोटिफिकेशन में था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, और जो पूरा मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत ही टाइम लग जाएगा मैं एक एक पॉइंट बताने लग गई, तो उसके लिए मैंने आपको स्क्रॉल डाउन कर लिया. आई होप आपने देख लिया होगा ये सब. ये है आपका फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए जो SC/ST के लिए है. ठीक है, ये उसका फॉर्मेट होना चाहिए. सिमिलरली नीचे OBC के लिए आपका दिया गया है क्या फॉर्मेट होना चाहिए. ऐसा ही EBC के लिए आपका फॉर्मेट दिया गया है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा. यहाँ तो मैंने वैसे आपको खोल के दिखा दिया है, पर आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जिनको ये सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, वो अपना देख लीजिए. ठीक है, ये देखिए. सो गाइज, यही सब था इस वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया. सो बेस्ट ऑफ लक, इस फॉर्म को भरिए, अच्छे से भरिए, और आशा करती हूँ कि आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी. कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे नीचे बताइए आप कमेंट बॉक्स में. दूसरी चीज़ कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, कई बार साइट हैंग हो जाती है, तो ये ना हो कि ये फॉर्म रह जाए. बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको भरिए आप. ठीक है, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू.